मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए जी. नमस्ते नमस्ते, हमारा नाम है यादव जी और आज हमारे साथ हैं रूपक शाह. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्षय कुमार जी के बारे में, जो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर रह चुके हैं, बहुत सारी फिल्में की है, काफी फेमस पर्सनालिटी है, प्लस ही आल्सो नोज मार्शल आर्ट्स. अरे और तो और वो है ना बहुत ही फंटास्टिक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी है. अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल. अरे वो है ना हमरे जैसा, वो भी गैया चराते हैं और वो बहुत मस्त शॉट हिलाते हैं. हाँ आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी. ये क्या कर दिया कमीनो. देखिए काम है ना खुद के लिए कीजिए, किन्हीं और को दिखाने के लिए नहीं. हाँ एक बार क्या हुआ पता है, अक्षय कुमार जी को ऑफर दिया गया शो में अगर आप आधे पैसे लेके परफॉर्म कर लें तो आपको मिल जाएगा एक. सब आपको पता है अक्षय कुमार जी ने क्या कहा. नहीं रे कहा बोले अक्षय जी. फिर अक्षय जी बोले, मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए जी. ये जो रिकॉग्निशन है ना उसके पीछे मत भागिए, वो आ जाएगा अगर आप एक्सेलेंस वा के पीछे भागोगे तो. समझे अक्षय कुमार जैसे काइजन में बिलीव कीजिए. अरे ये काइजन का होता है सर जी. अरे रुको यादव जी, काइजन का मतलब समझाने से पहले हम आपको अक्षय कुमार की एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं. आपको पता है जब अक्षय कुमार जी फर्स्ट टाइम एक्टिंग करने गए तो पहली बार तो कैमरा देखा था, बट एक बार जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते गए और जो कुछ भी सीखा अपने एक्सपीरियंस से सीखा. इसी डेली इम्प्रूवमेंट को काइजन कहते हैं. सो इट डज नॉट मैटर व्हेन यू स्टार्ट, बट आप रेगुलरली ग्रो हो रहे हो, सीख रहे हो, अगर आप वो करोगे तभी लाइफ में आप सक्सेसफुल बनोगे. अरे काइजन वो मस्त चीज है, हम भी करेंगे. यादव जी मुझे बताओ ये लहू के दो रंग ये मूवी किसकी थी. पता नहीं रहेगी कौनों की. दीदार दवा ये मूवी किसकी थी. पता नहीं सर जी, होगी कौनों की तो होगी. ये मूवी अक्षय कुमार जी की है. कब बात कर रहे हो. यही लोगों को पता नहीं है. अभी अक्षय कुमार इतने बड़े एक्टर है तो लोगों को लगता है उनकी सारी मूवीज हिट ही जाती है, बट एक टाइम ऐसे था जब उनसे लाइन से 14 मूवीज फ्लॉप हुई थी. जी 16 मूवीज फ्लॉप हुई थी, बट उनको फिर भी काम मिलता रहा. पूछो क्यों. काहे. बिकॉज वो डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग थे. वो टाइम से आते थे, काम खत्म करते थे और अच्छा काम करते थे, इसलिए प्रोड्यूसर्स उनको वापस मूवीज दे ही रहे थे. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. नो मैटर लाइफ में आपके कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आप डिसिप्लिन और हार्ड वर्क मत छोड़िए, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे. सही बोला है, एकदम है सही बोला है. सर जी आप हमेशा वीडियो में काहे नहीं आते हो, ऋतिक लोगों को काहे भेजते हो, आप कितने टैलेंटेड हो. समस्या पे सिर्फ कमेंट मत कीजिए, उसका समाधान भी दीजिए. अब अक्षय जी को देखिए, अक्षय जी है ना बैठ कर कमेंट वाला नहीं करते हैं खाली. वो ससरा मूवी बनाए थे टाइलैंड, पैडमैन काहे बनाए थे. अरे क्योंकि हमारे देशवा में आई सारी चीजों पे बहुत प्रॉब्लम है. सुबह का है वक्त हाथ में लौटा नहीं, सुबह का है वक्त हाथ में लौटा नहीं, हमें डर है हम कर न जाए यही सुबह का है. तो वो बैठ के हल बतिया नहीं किए, वो ससरा मूवी बनाए और मूवी में है ना सोल्यूशन वा दिए. हाँ फिल्म वा में कि मैं कमेंट देता हूँ, कमेंट ही देता हूँ, मैंने सोल्यूशन दिया उसके अंदर सोल्यूशन देता हूँ. तो बहुत जरूरी है आप भी बैठ करके भोकाल मत मारिए, सिर्फ सोल्यूशन दीजिए सामने वाला का, मदद कीजिए. हैं देखिए हमेशा है ना अपना सहकर्मी का सहायता कीजिए. हाँ आपको पता है जब संजय लीला भंसाली की मूवी पद्मावत किसी कारण के वजह से उनका रिलीज डिले हो गया, तब उसकी डेट पैडमैन से क्लैश हो रही थी, तभी उनके डायरेक्टर ने अक्षय कुमार जी से रिक्वेस्ट की, क्या आप आपकी मूवी की रिलीज डेट आगे कर सकते हैं. 2 मिनट भी नहीं लगे उन्होंने इमीडिएटली कहा कि जो तू चाहे जैसे चाहे मैं तेरे साथ हूँ. काहे काहे हाँ कर दिया भाई, क्योंकि वो अच्छे आदमी है. आई विल बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर अ लाइफटाइम फॉर व्हाट ही इज डन. वो लंबे रेस का सोचते हैं भाई, वो सोचे कि अरे हमारे इंडस्ट्री वाला भाई है, इसे काहे प्रॉब्लम देना, और वो ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम में है. आज उका जरूरत है, कल हमका होएगा, का पता.
आप जो भी सिचुएशन में हो सामने वाले की मदद जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर है ना आपका अच्छा लगा है तो लाइक वा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, एंड अक्षय कुमार जी पे हमने और एक वीडियो बनाया था जिसको अभी तक क्लोज टू 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख लोग देख चुके हैं, इंस्पायर हो चुके हैं। तो आप भी वो वीडियो जरूर देखिए।